जीएचटी 2022 पेपर वन के लिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आज लास्ट डेट है। आज शाम 5 बजे तक आप में से जिन कैंडिडेट्स को किसी क्वेश्चन पे, उसके आंसर पे, उसके ऑप्शंस पे कोई डाउट लग रहा है तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक क्वेश्चन पर 100 रुपये लगते हैं। तो एक बहुचर्चित क्वेश्चन है जिसमें जिसके बारे में बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, ग्रुप्स पर भी उसकी चर्चा चल रही है, तो आज मैं उसी का डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो दो यानी कि एक क्वेश्चन आया था, उसके दो ऑप्शंस में कैंडिडेट्स को डाउट है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कुर्ते की बखिया उधड़ गई या फिर कुर्ते का बखिया उधड़ गया। तो यहाँ पे दो जो ऑप्शंस हैं, तो माना जा रहा है कि बखिया एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि एसएससी ने माना है कि कुर्ते का बखिया उधड़ गया। ये एकदम सही आंसर है जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बखिया का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, फारसी का एक शब्द है, संज्ञा है, पुल्लिंग है। बखिया का अर्थ होता है दोहरे टांके वाली सिलाई, एक प्रकार की महीन और मजबूत सिलाई। मुहावरा है उधेड़ना, यानी कि बखिया उधेड़ना, रहस्य उजागर करना, भंडा फोड़ करना। तो कुर्ते का बखिया उधड़ गया, यहाँ पे सिलाई के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि पुलिंग है ये और कुर्ते का बखिया उधड़ गया एकदम सही उत्तर है। एसएससी ने जो माना है वो सही उत्तर है। आप अपने 100 रुपये वेस्ट न करें। कुछ लोग मान रहे हैं कि 100 रुपये वेस्ट करके उनको 1.25 मार्क्स मिल जाएंगे, तो उनको नहीं मिलेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग होना चाहिए तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी उन्होंने चेक किया है, बहुत सारे ब्लॉग्स भी उन्होंने देखा है, वहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है कुर्ते की बखिया उधड़ गई। मैं आपको हज़ारों वेबसाइट दिखा दूंगा, आप मुझे एक वेबसाइट ऐसी दिखा दीजिए कि जिसमें कोई त्रुटि न हो। हर वेबसाइट में कमी होती है, हिंदी में खासकर। हिंदी की कोई ख़ास वेबसाइट नहीं है, हालांकि आप अगर सरकारी वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको हिंदी में गड़बड़ घोटाला नज़र आएगा, मानक हिंदी तो है ही नहीं। तो कुर्ते का बखिया उधड़ गया एकदम सही है, और अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा वेस्ट हो रहे हैं वो, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। फिर भी अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भाई गो अहेड, आप कर सकते हैं ये काम, और इसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर भी एक विस्तार से उसका विश्लेषण किया जाएगा, चर्चा होगी, और फिर देखते हैं उसका क्या सही उत्तर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज ना करें।